रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है। जिंदगी अपनी ये खैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए, शमा जलती है पिघलती है समाने के लिए, अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए, शमा जलती है शमा जलती है। मैंने ऋषि को ये तो बता दिया है कि गौतमी ने आपको और मम्मी जी को घर से बाहर देखा, लेकिन अब हमें यही बात ऋषि की नजरों में सच भी करनी है। जीजू आप तो सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं, मैं तो उन दोनों को साथ में देख कर आई। हाँ, हाँ, हाँ। वो वसीयत मैंने ही उन्हें ले जाकर दी थी। आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जाइए यहाँ से। क्या बात है अम्मी, आप इन्हें देखकर इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ये त्रिभुवन की वीडियो तुम्हारे पास कहां से आई? ये क्या कह रही है आप इन्हें जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ये दुर्गा का पति है त्रिभुवन। ये त्रिभुवन दुर्गा देवी का पति? हाँ शमा, दुर्गा का पति यही है जिसे कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई। हुजूर, क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है कि जब अपने दिल पर चोट पहुंचाते हैं तो इंसान किस तरह दिल मिला कर रह जाता है। क्या आपको किसी अपने ने चोट पहुंचाई है? मेरी शरीक हयात मुझसे आगे निकल गई, मैंने सबको अपनी उंगलियों पर नचाया, मगर वो मेरी ही आंखों में धूल झोंकती रही। इतना बड़ा सबूत इस घर से निकल गया, जिसकी वजह से सारी जायदाद मेरे हाथों की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल सकती है, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। आप फिक्र क्यों करते हैं, वो सबूत जहां भी होगा हम निकाल कर ले आएंगे। बस यही तो जानना है कि वो सबूत कहां है, किसके पास है, कहां रखा हुआ है। अगर इस बात का पता लग जाए कि वो सबूत किसके पास है तो उसे हासिल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, वरना अगर वो सबूत अदालत में पहुंच गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उस सबूत तक पहुंचने का कोई तो जरिया होगा, कभी तो वो सबूत सामने लाया जाएगा। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए वो सबूत तो जरूर लाया ही जाएगा, और हमें उसी मौके का फायदा उठाना, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहां बुलाया। ये लो। बिंदु, अरे कहाँ हो बिंदु? जी बिंदु, ठंडा पानी लेके आओ ना। जी। लगता है पल्लवी और गौतमी ने अपनी करामात दिखा दी, अब ये मुझसे जरूर पूछेगा कि मैं कहां से आ रहा हूं, जरूर पूछेगा ये। ऋषि बेटा,
वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहां आओ, मेरे पास बैठो, आओ। बिंदु एक काम करो, चाय बना दो गर्मा गर्म। अरे सुनो, एक काम करो कॉफी बनाओ, क्योंकि मैडम को कॉफी बहुत पसंद है। मैडम आ गई? अभी नहीं, बस आती होंगी। जाओ कॉफी बनाओ। जी। कहां से आ रहे हैं आप? मैं दरअसल क्या बताऊं यार, कहां था मैं? कुछ सवाल पूछने ही नहीं चाहिए ऋषि। क्यों? क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। तुम तो जानते हो कि मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो मैंने तो एक छोटा सा सवाल किया है कि आप कहां गए थे और कहां से आ रहे हैं। तुम्हारे लिए छोटी सी बात हो सकती है ऋषि, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। झूठ बोलना मुझे आता नहीं और सच में बोलना नहीं चाहता। ऋषि, बुजुर्गों ने कहा है और शास्त्रों में लिखा है कि इंसान की अपनी इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोग झूठी जिद और गुस्से की वजह से इसे गंवा बैठते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हमें दूसरों की खुशी के लिए कई बार देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है, और वो भी तब जब वो सवाल इज्जत के साथ जुड़ा हो। ऋषि, इंसान को समझौतावादी होना चाहिए। मैंने भी तो खुद से समझौता ही किया है। आखिर मतलब क्या है आपका? अभी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ऋषि, भले देर से आए लेकिन आएगी जरूर। बस इतना याद रखना ऋषि कि इंसान को समझौतावादी होना चाहिए। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। बस इतना याद रखना ऋषि कि इंसान को समझौतावादी होना चाहिए। यही समझदारी कह रहा था। खैर, तुम यहां बैठो, मैं जरा थका हुआ फ्रेश हो के आता, तब तक कॉफी भी आ जाएगी। तुम्हारी बात का मतलब तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो कि अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दरअसल मैं दुर्गा के बारे में जानती हूं, उसे समझती हूं। बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद उसने मुकाम हासिल किया, अपने बेटे को पाला, उसकी परवरिश की और उसे अच्छी तालीम दी। लेकिन अम्मी, इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी कि हमने खुद भी आंटी पर शक किया, क्योंकि उन्होंने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि वो उनके शौहर है। वो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, वो उसे इस बात का पता तक नहीं होने देना चाहती थी कि वो एक ऐसे इंसान का बेटा है जिसमें हर बुराई है, हर ऐब है, और इसलिए दुर्गा ने किसी को नहीं बताया होगा। ऋषि ये समझता है कि वो एक देशभक्त फौजी का बेटा है जिसके वालिद गुमशुदा है। हाँ दादा जान, आंटी ने ये झूठ इसलिए बोला होगा क्योंकि वो ऋषि को एक देशभक्त और अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन ये झूठ आज उनकी बदनामी की वजह बन चुका है। इस घर में हमारे अलावा और कोई भी नहीं जानता कि त्रिभुवन ही ऋषि के वालिद है। अब तुम देख लो क्या करना है, क्योंकि मुझे तो पता है जब तक ये इंसान दुर्गा के करीब रहेगा
तो उसकी जिंदगी पहले की तरह तबाह कर देगा। अम्मी, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, सोहा इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। शमा, तुमने अपने क्लिनिक के बारे में क्या सोचा? कुछ नहीं दादा जान, फिलहाल हम अपना क्लिनिक नहीं खोलेंगे। मदद देने वाले मदद देने की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन किसी की मदद लेना हमारे दिल को गवारा नहीं है। फिर तुम क्या करो? हम अब तो सिर्फ उस मुकदमे के बारे में सोचना चाहते हैं जो फिलहाल शुरू हुआ है, और वैसे हमने आंटी से बात कर ली है। उन्होंने हमसे कहा है कि उन्होंने किसी डॉक्टर से हमारे लिए बात की है। हमें नौकरी जरूर मिल जाएगी दादा जान, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादा जान। हेलो, डॉक्टर देवेंद्र बोल रहा हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब, कहिए ना। डॉक्टर शमा के बारे में आपने बात की थी, उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। हाँ बोलिए ना डॉक्टर साहब। एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में कुछ जगह खाली है, अगर डॉक्टर शमा ज्वाइन करना चाहे तो कर सकती है। जी हाँ, एक काम करती हूँ डॉक्टर साहब, मैं शमा से बात करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कुछ डॉक्टर छुट्टी पर गए, जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल को डॉक्टर की जरूरत भी है, इसलिए डॉक्टर शमा ज्वाइन करना चाहे तो आज ही कर सकती है। ठीक है, मैं आपको फोन करके बताती हूँ। धन्यवाद। ओके बाय। बाय। अपने बेटे के साथ अपनी दुनिया बसा कर उसने सोच लिया था कि वो आबाद हो चुकी है, लेकिन अब आएगा खेल का असली बसा। एक मिनट एक मिनट, अपने बेटे के साथ दुनिया बसा कर सोच लिया था का मतलब कुछ समझ में नहीं आई हमारी। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। अपने बेटे के साथ दुनिया बसा कर सोच लिया था का मतलब कुछ समझ में नहीं आई हमारी। क्या आपकी भी मम्मी जी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है? अरे पल्लवी, मेरी बातों में मतलब मत ढूंढा कर, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसा ही। वैसे तुम्हें बता दूं पल्लवी, मैं वही कर रहा हूं जो तुम लोग चाहते हो। तुम लोगों ने ऋषि के दिमाग में जो जहर भरा है उसका असर अब दिखाई देने लगा। तुम्हें पता है मैं जैसे ही बाहर से लौटा तो भागकर मेरे पास आया, पूछने लगा, अंकल कहां से आ रहे हैं आप? अब तुम ही सोचो पल्लवी, अगर मैं सब कुछ सच सच बता देता कि मैं बाहर उसकी मम्मी जी के साथ था तो क्या होता है? तो फिर आपने क्या कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी वजह से पूरा मामला बिगड़ जाए? आए चुटकी चुटकी, अपने अंकल को कच्चा मत समझ। तुम्हें एक बात बता दूं, ना बताते हुए भी मैंने सब कुछ बता दिया, और सब कुछ बताकर भी मैंने कुछ नहीं बताया। बस यूं समझ लो कि ना कहते हुए भी मैंने वो सब कुछ कह दिया जो हमें कहना चाहिए था। ओ, तो अब देखना ये है कि जीजू ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करते हैं, और अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो क्या कर सकते हैं, ये भी देखना है। पर इस बात से ये तो तय है दीदी कि अब माँ बेटे के बीच में ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे कोई नहीं गिरा पाएगा। और मैं वही दीवार तो खड़ी करना चाहती हूँ गौतमी,
एक गड़बड़ है दीदी, और वो है शमा। शमा मम्मी जी को बहुत मानती है और ऋषि शमा को। अगर शमा को इस बात का पता लगा तो वो इस पूरे मामले को संभालने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने गौतमी, क्योंकि ये शमा ही है जो ऋषि को समझा बुझाकर शांत कर सकती है, इसलिए तुम दोनों को ही उसे देखना होगा। समझ गए? ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि? हाँ शमा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, और मैं ये सब तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम हमेशा मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती रही हो कि माँ सही है, उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, कोई चालें चली जा रही है। ये बिल्कुल सच है। नहीं शमा, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सच तो वो है जो मैं पल्लवी के मोबाइल पर देख कर आ रहा हूं। उसकी और माँ की तस्वीरें दोनों बाहर एक साथ थे। अगर पल्लवी झूठी है तो माँ उस आदमी के साथ बाहर क्यों मिलने गई? मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये सब कुछ एक साजिश का हिस्सा है। हाँ, और एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो बात बताना अब ठीक नहीं होगा। कौन सी बात? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अगर माँ ये सब कुछ कर रही है तो उसके पीछे उनकी कोई मजबूरी होगी। अरे कोई मजबूरी नहीं है शमा, कोई मजबूरी नहीं है। पल्लवी ठीक कहती है, शर्मिंदगी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है वो आदमी जब घर लौटा तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तो वो मुझे समझा रहा है, वो मुझसे कह रहा है कि मुझे ये सब देखने की आदत डाल देनी चाहिए, अपनी आंखें देखकर भी बंद कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ ऋषि, मैं इन सब बातों से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मानो, तुम आंटी पर अपना एतबार कम मत करना। अगर वो उनसे मिलने जा रही है तो उसके पीछे कोई राज होगा। अरे शमा, भले कोई भी राज हो, लेकिन है तो ये बदनामी की बात, और ये बदनामी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। कोई भी राज हो, लेकिन है तो ये बदनामी की बात, और ये बदनामी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। शमा, तुम अभी समझाने की मुझे बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि पानी अब सर के ऊपर से जा चुका है, सर के ऊपर से जा चुका है। ऋषि, ऋषि मेरी बात तो सुनो, कि जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारे वालिद है, तुम्हारे वालिद। उन पर तो जैसे दौलत का जुनून सवार, दौलत के लिए कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते। हर इंसान दौलत कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके, लेकिन कमाल है, अकबर ने आप ही को घर से बेदखल कर दिया। हाँ, क्योंकि मैंने आप लोगों का साथ दिया, इस बात का शक तो उन्हें था ही, लेकिन आज वो हकीकत खुलकर सामने आ गई और मुझे इकरार करना पड़ा कि अब्बा जान के लिखी हुई वो वसीयत मैंने ही शमा को दी, और यही बात हमारे रिश्ते पर बिजली बनकर गिरी और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। नहीं चाची जान, चाचा जान इतने बेरहम कैसे हो सकते कि उन्हें इस बात का ख्याल न रहे कि आप उनकी शरीके हयात हैं। अब उनसे रहम की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, वो दौलत के लिए किस हद तक गिर सकते हैं ये तो हम सबने देखा, और आगे भी उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, झूठ और फरेब से कमाई गई दौलत वो कभी नहीं बचा पाएंगे।
अदालत का फैसला उनके सारे मंसूबे पर पानी फेर कर रख देगा। मैं तो बस इतना ही चाहती थी और इतना ही चाहती कि हमारा पूरा खानदान एक बनकर रहे, लेकिन अब तो शायद ये मुमकिन ही नहीं। मैं तो बस इतना ही कहने आई थी कि उन सबूतों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें हासिल करने के लिए वो कोशिश जरूर करेंगे। हाँ चाची जान, लेकिन वो अपनी कोशिशों में इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो पाएंगे। काश आज ही अदालत में इस बात का फैसला हो जाता। आज अदालत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन देखिएगा कल सारे सबूत पेश किए जाएंगे। उन सारे सबूतों को देखने के बाद कल अदालत किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेगी। मेरा यही मानना है कि कल अदालत का फैसला जरूर होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चाची जान, वो सारे सबूत सिर्फ अदालत के सामने आएंगे और फिर हमें हमारी सारी जायदाद वापस मिल जाएगी और आप भी उसी हवेली में रह पाएगी। सुल्ताना जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तो आप हमारे साथ इसी घर में रह सकती हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया। मैं तो अपने अपने भाई के घर रायबरेली चली जाना चाहती थी, लेकिन असगर भाईजान ने कसम देकर रोक लिया है मुझे। और अब जब कल ही इस मामले का फैसला आने वाला है तो मैं भी फैसला सुनकर ही जाऊंगी। मैंने तो पता नहीं कितनी बार चाचा जी को मम्मी जी के रूम से बाहर आते हुए देखा है। वो कागजात जो हमें फतेह दिला सकते हैं, ये सिर्फ मैं जानता हूं कि वो कहां है। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूं, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता।